और एक पहलू है जो उसे मामलात से जोड़े रखता है चुनानचे अल्लाबीन ने अपने किताब में कुरान में बयान फरमाया कहा व अन किहुलआयामा मिनकुम सालिहीन मिन इबादुम व इमा के वो लोग जो तुम में गैर शादी शुदा हैं चाहे ग़ुलाम हों या लौंडिया हों कोई भी हों उनकी शादी करवाओ शादी और निकाह इस्लाम में एक पसंदीदा अमल है जिसके ताल्लुक से कसर और बेशुमारहदीस भी आई हैं शादी के ताल्लुक से निकाह के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातब करते हुए फरमाया कि या माशर शबाब नौजवानों की जमात मनस्ता आमिन कुमुलबा फलियत तजौवच तुम में से जिस किसी को भी ये इस्तात है कि वो खर्च कर सके यानी अपनी ज़िम्मेदारी निभा सके आयाल पर ख़र्च कर सके नानो नफका की जिम्मेदारी उठा सके काफ़लिय तुज उसे चाहिए कि वो शादी करे गाफ इन लिल विलबसर क्योंकि निकाह से इंसान की आंखें नीचे झुकी हुई होती हैं वह एहसन लिलफर्ज और शर्मगा की हिफाजत होती है वमन लमस्तः फाल ही बस और जिसे नानो नफ़ा की इस्तात नहीं हो खिला पिला नहीं सकता है मस्किन है गरीब है तो कहा सोम ऐसा शख्स रोजा रखे फिन नहू लहू जा रोज़ा रखना उसके लिए एक ढाल का और रोकने का, का काम करेगा यानी वो वना से महफूज रहेगा तो नबी अकरम सलील वसम ने ना ये कि सिर्फ निकाह मशरू करार दिया है बल्कि आप सल्ह वसलम ने उसकी तरगीब दी है उस पर उभारा है बस आपके पास नानो नफका होना चाहिए खिलाने पिलाने की इस्तात होनी चाहिए और मरूफ़ वाक़ है उस्मान इबन मजून रदील्ला ने जब नबी अक्रम सम से ये इजाज़त मांगी कि वो अपना खुशियाँ करवा लें यानी वो मादह जिसमें जो एक मादा होता है जो शहवत पर उभारता है शहवत वाला मादा वो ख़त्म करवा लें और इजाज़त चाहिए तो नबी अक्रम सल्ह वसलम ने उन्हें मना किया और फरमाया कि इन्नी लम उम्र बिलहबानी मुझे रहबानियत का हुक्म नहीं दिया गया मतलब यह कि मुझे सिर्फ एक कोने में बैठकर एक गोशे में बैठकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह या फिर यह के सिर्फ दीन के अहकाम और दीन का काम करने का हुक्म नहीं दिया गया बल्कि साथ साथ आप दुनिया को भी लेकर चले और ऐसा नहीं है कि दुनिया में मशगूल होना गलत है या फिर गुनाह का काम है बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन न सुन्नति मेरे तरीके में से मेरी सुन्नत में से यह है मैं रातों को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और मैं रोजा भी रखता हूँ मैं कभी बेला रोजा भी रहता हूँ खाता पीता भी रहता हूँ और मैं निकाह भी करता हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है ये तरीका है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम मिसल दुनिया में कोई भी नहीं आया जिनकी तरह का कोई भी नहीं है आपकी इबादत के बराबर किसी की इबादत हो ही नहीं सकती है आपसे ज्यादा दीनदार कोई भी नहीं हो सकता है लेकिन क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ दीनदार और दीनी अमल को अंजाम दिया है या फिर यह कि दुनिया में भी लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबीय रसूल पर अपने सहाबी पर एक रद्द करते हुए या उनको जवाब देते हुए कहा कि ये मेरा तरीका नहीं है मेरा तरीका यह है कि आप दुनिया से भी जो आपका हक है वो ले ऐसा नहीं है सिर्फ दीन दीन करना है। अब सवाल यह रहता है कि क्या निकाह को छोड़ना यानी निकाह ना करना जायज है या फिर यह कि हुरमत का इसका मामला है जवाब यह है कि निकाह करना सुन्नत है असल निकाह करना सुन्नत है इन इसके ताल्लुक से अभी बातें आएंगी लेकिन बुनियादी तौर पर निकाह सुन्नत है अगर कोई नहीं करता है तो गुनाहगार नहीं है ये बुनियादी तौर पे लेकिन एक दूसरा पहलू है कि अल्लाह से तकर्रब की खातिर दीन समझते हुए या फिर ये कि अपने आप को बहुत ज्यादा दीनदार समझते हुए कि मैं निका नहीं करूँगा तो ज्यादा दीनदार बन जाऊंगा अगर इस नीयत से कोई निकाह छोड़ता है तो इससे नबी अक्रम सम ने मना किया है और ये दीन के अंदर बिद है नई चीज़ है हराम है चुनानचे नबी अक्रम सल्ह वसम की हदीस है अब्दुल्ल अबिन मसूद रजल्हनो कहते हैं कि हम नबी अक्रम सल्ह वसलम के साथ जिहाद कर रहे थे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वलई सलनाश हमारे पास कुछ भी नहीं था यानी हम गरीब थे फ़कीर थे तो हमने सवाल किया नबी अक्रम सल्ह वसलम से कि क्या हम खुशियाँ ना करवा लें यानी क्या हम शहबत वाला मादा खत्म न करवा लें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कहते हैं फनहान वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा करने से मना किया सालाना फिर हमें इजाजत दी किस बात की अन्नन के हल मर बिसौब कि हम एक कपड़े के बदले ही एक कपड़ा मेहर देकर औरत से शादी कर लें लेकिन निकाह करें अगर गरीब हैं कम पैसा है तो ये नहीं कि आप निकाह छोड़ दें जितना है उतना ही में कोशिश करें ना। फिर ने ये पढ़ी। या आमनू ला मा वालो अल्लाहबीन ने जो तुम्हारे लिए पाकिजा चीजें हलाल की हैं उन्हें हराम ना करो लिहाजा अपने ऊपर बिला वजह किसी चीज को हराम ना करें और बिला वजह अपने ऊपर सख्ती ना करें दूसरी हदीस है अनस रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरुना बिलबाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम नानो नफका जमा करें हासिल करें नानो नफका हासिल करें इससे मकसूद ये है कि हासिल करके निकाह करें वयनहा अनि तबत्तुल नहीं शदीदा और आप हमें तबत्तुल यानी खुसिया करवाने से शहवत वाला माह निकलवाने से सख्ती से मना करते थे एक होता है मना करना मुतलकन मना करना एक होता है मना में सख्ती करना निकाह को अल्लाह की तकरब की खातिर या ये सोच करके के हम और ज़्यादा इबादतें करेंगे हम और ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाएंगे ये सोच कर निकाह छोड़ देना इससे नबी अक्रम सम ने सख्ती से मना किया सिर्फ मना नहीं किया इसका मतलब ये सख्त किस्म का सख्त दर्जे का हराम अमल है और वो वाक़ तो बड़ा मशहूर है सभी जानते हैं कि हज़रत आयशा रजील अच्छा के पास तीन सहाबी आए और नबी अक्रम सल्ह वसम की इबादत का हाल दरियाफ्त किया तो जब हजरत आयशा रज्हा ने उन्हें खबर दी कि नबी अक्रम सल वसम इस तरीक़े से इबादत करते हैं तो हदीत का लफ्ज़ है कि लू ऐसा लगा कि उन्होंने उसको कम जाना कम समझा और कहा कि इन मामला तो कुछ और है उनके अगले और पिछले जितने गुना जुनूबी बिजुनूबिना हमारा मामला यह है कि हमें तो हमारे गुनाहों पर पकड़ की जाएगी लिहाजा अब करना क्या चाहिए वो आगे उन्होंने <दुणसगते> कहा फकाल अहद उनमें से एक ने कहा अम जहां तक मेरा मामला है फकूम वला अरकुद मैं रात भर नमाजें पढ़ूंगा सोऊंगा नहीं दूसरे ने कहा वह अम्मा अना फसूम वला उफ्तर मेरा मामला यह है मैं ऐसा करूंगा कि हमेशा रोजे रखता रहूंगा इफ्तार करूंगा ही नहीं और तीसरे ने कहा वह अम्मा फला फलाज मेरा मामला यह रहेगा मैं ऐसा करूंगा कि मैं निकाह ही से तोबा कर लेता हूँ या मैं निकाह नहीं करूंगा मैं निकाह से इश्तनाब करूंगा बाज रहूंगा नबी अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप वसल्लम आए और कहा तुम्ही जिन्होंने ऐसा ऐसा अभी कहा है और कहा कि अमा इन्नी वही असूम उल्लाह की कसम मेरा मामला यह है कि मैं तो रोजा भी रखता हूँ इफतार भी करता हूँ वह उसली व अरकुद नमाज भी पढ़ता हूँ और नींद भी लेता हूँ रात में सोता भी हूँ वह अतजुनसा मैं औरतों से शादी भी करता हूँ फमन रगी बनसुन्नती फलई समी लिहाजा जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरी उम्मती में से नहीं है मुझसे नहीं है लिहाजा निकाह को दीन समझते हुए छोड़ देना या अल्लाह का तकरब समझते हुए छोड़ देना यकीन हराम है और एक ख़तरनाक किस्म की बिदत है अब जब हमने ये जान लिया कि निकाह शरअन मशरू अमल है और दूसरी बात यह कि उसे इबादत समझते हुए छोड़ना यह हराम अमल है तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि निकाह का हुक्म शरीयत में क्या है आया ये वाजिब है या फिर ये कि मुस्हब है जवाब यह है कि निकाह की अलग अलग हालतें हैं कभी यह वाजिब होगा कभी यह मुस्तहब होगा वाजिब उस शख्स के हक में है जो शख्स निकाह न करने की वजह से जेना में मुलविस होने का खौफ रखता है उसे खदशा है कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो उससे जेना सरजद हो जाएगा ऐसे शख्स पर निकाह वाजिब है क्योंकि अगर वाजिब की तकमील में कोई चीज़ रुकावट बन रही है या इसको ऐसे समझ लें कि अगर वाजिब की तकमील किसी अमल के जरिए ही मुमकिन है अगर वो अमल नहीं करेंगे तो वाजिब की अदायगी रह जाएगी नहीं होगी तो ऐसी सूरत में वो अमल भी वाजिब है और उसके साथ साथ वो जो दूसरा अमल है जो उसकी अदायगी में हेल्प और मदद करता है वो भी वाजिब होगा अब यहां मिसाल लें, मिसाल ये है कि जिना से बचना वाजिब है जिना से बच के रहना ये वाजिब है इस वाजिब की अदायगी में अगर निकाह जरूरी है यानी बिला निकाह आप जिना में मुलविस हो जाएंगे तो फिर आपके लिए लाजिम है वाजिब है कि आप निकाह करें क्योंकि आप जेना से बच ही नहीं सकते हैं जब तक के आप निकाह ना कर ले तो आपको जेना से भी बचना वाजिब है उस अमल को भी करना वाजिब है जो अमल आपको इस वाजिब से बचने में मदद करे माविन हो लिहाजा अगर कोई शख्स इस हैसियत का है इस मामले में वो उलझा हुआ है या फिर ये कि उसकी शहवत ऐसी है तो वो निकाह कर ले अगर इस्तात नहीं है तो वो दूसरा मामला फिर उसके लिए दूसरी राह है लेकिन इस्तात है कोशिश करके निकाह कर सकता है तो निकाह कर ले दूसरी सूरत यह है कि इंसान निकाह पर कादिर है अलबत् उसके जेना में मुलविस होने का खौफ नहीं है उसको अपने ऊपर यकीन है कंट्रोल है तो ऐसे शख्स के हक में निकाह मुस्तहब है करना चाहे तो अच्छी बात है की की सुन्नत सुन्नत है खुद सुन्नत है खुद नबी और भी इसके दीगर फवाद हैं ना करना चाहे तो वो गुनाहगार नहीं होगा लेकिन ये के ये है कि कि बेहतर है निकाह करे क्योंकि इससे इंसान को बेशुमार फवाद हासिल होते हैं अब इसके बाद का मसला है कई एक शादियां करना यानी एक से जायद इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है सबसे पहले याद रखें जान लें कि माए कराम का उम्मत का इस बात पर इत्तेफ़ाक है उम्मत मुतफ है कि औरत के लिए एक से ज्यादा शादी करनी जायज नहीं है यानी बैक वक्त बैक वक्त एक वक्त में औरत एक ही मर्द के निकाह में रह सकती है एक वक्त में एक से ज्यादा मर्द से शादियां नहीं कर सकती है क्यों क्योंकि जो नुतफा का मामला है औलाद की पैदाइश का मामला है हमल का मामला है हमल ठहरने का वो औरत के जिम्मे है यानी औरत हामिल होती है लिहाजा अगर ऐसा होगा कि औरत एक वक्त में कई एक मर्दों से रबते में रहे नवाज बिल्ला तो ऐसी सूरत में ये जो नसब है औलाद का जो मामला है ये मिक्स हो जाएगा मिल जाएगा मिलावट का शिकार हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है ठीक है आजकल बाज़ लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि पता चल सकता है लेकिन मशीन है मशीन के खराब होने का और मशीन के गलती करने का एहतमाल बाकी है और जो नसब का जो मामला है नसब का मामला उसमें एहतमाल तक की गुंजाइश नहीं होती है अगर जरा सा भी शक भी दाखिल हो गया तो चीज़ें हराम हो जाती हैं लिहाजा इन मशीनों पर एतमाद और भरोसा करके कोई ये कह दे कि औरत कई एक शादियां बैक वक्त कर सकती है तो दर हकीकत ये इस रास्ते को खोलना है नसब में और जरूरीत में औलाद के मामले में नसब में इख्तलात का मामला आ जाए तो औरत बक्त एक से जायद नहीं कर सकती है इस पर परमाय कराम का इतफाक है दूसरी बात मर्द के लिए एक से जायद शादियां करना जायज़ है इस पर भी कराम का उम्मत का इतफाक है इसकी दलील अल्लाह आलमीन का फरमान है मसना के जो औरतें औरतें जितनी औरते तुम्हें पसंद हो दो तीन चार चार तक शादियां करो इस आयत की बिना पर परमा ने कहा है मुफसरन कहते हैं और इस बात पर इजमा भी है मर्द के लिए एक से जायद शादियाँ जायज़ है कोई हरज नहीं है शादियों की तादाद कितनी होनी चाहिए यानी बैक वक्त एक मर्द कितनी बीवियां रह सकता है जवाब यह है कि एक वक्त में एक मर्द चार बीवियां रख सकता है चार शादियां कर सकता है उससे ज्यादा जायज़ नहीं है चुनानचे इसकी दलील नबी अकरम अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके रावी इब्न उमर अनहुमा हैं फरमाते हैं असलमा गैलान इब्न गुबन ने इस्लाम कबूल किया और उनके पास दस बीवियां थी उनके पास दस बीवियां थी तो नबी वसल्लम ने उनसे कहा खुज मिन हन्ना अरबा इनमें से चार बीवियां ही रखो क्योंकि इस्लाम में चार से जायद नहीं कर सकते अलबत् चार तक कर सकते हैं तो हद जो है वो चार है लिहाजा उससे आगे क्रॉस ना करें अब सवाल यह है किद एक से जायर शादियां करने का हुक्म क्या है जवाब यह है कि एक से जायर शादियां जो है वो अलग अलग वक्तों में उसका अलग अलग होगा। चुनानचे अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसके पास ज्यादा शहवत है और एक बीवी उसके लिए काफी नहीं हो रही है ऐसी सूरत में उस पर वाजिब है वाजिब है कि वो दूसरी शादी करे क्योंकि अगर वो शादी नहीं करेगा तो जना में उलझेगा और जिना हराम है तो अगर किसी शख्स का मामला यह है कि एक शादी उसके लिए काफी नहीं हो रही है उसकी शहवत और ज्यादा है ज़िना में वाकई होने का खदेशा है तो फिर दूसरी शादी उसके लिए वाजिब होगी ये पहला मामला है पहली सूरत है दूसरी सूरत है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिना में उस वाक़ होने का खदशा तो नहीं है और साथ ही नानो नफका भी दे सकता है इंसाफ भी कर सकता है और उसको ये उम्मीद है कि औलाद होगी यानी नस्ल चाहता है ऐसे सूरत में ने इसके सिलसिले में इख्लाफ किया है कि इसका क्या हुक्म होना चाहिए बाज़ बाज़लमा कहते हैं कि अफजल यह है कि वो एक से जायद शादियाँ करें बाज़ बाज़लम कहते हैं नहीं अफजल यह है कि वो एक ही पर इतफा करें और दोनों के दलायल हैं लेकिन यह मसला कि एक करे या एक से जायद करे ऐसी सूरत में जब उसके ज़िना में वाक़ होने का खदशा नहीं है ये मसला मसलाहत और मकसदत के रूह से देखा जाएगा अगर मसलहत यह पाई गई कि वो एक से ज़ाय शादी करे तो कर ले अगर उसमें कोई नुकसान है कोई ज़र्र है तो उससे रुक जाए मसलहत में उस शख्स की खुद की भी मसलहत देखी जाएगी उसके पास इस्तात है नहीं है साथ ही मुआरे की मसलहत देखी जाएगी कि मुआरे में अभी क्या बेहतर क्या है उसके बाद जाकर के उसको कोई राय दी जाएगी या वो शख्स कोई फैसला ले तीसरी सूरत यह है कि कोई शख्स दूसरा निकाह करना चाहता है कादिर भी है उसके पास पैसे भी हैं लेकिन मसाला यह है कि मुमकिन है अगर दूसरी शादी करेगा तो जो उससे अहम काम है उससे उलझ जाएगा उससे रुक जाएगा मिसाल के तौर पे कोई तालब इल्म है अगर दूसरी शादी कर लेगा तो इतना मशगूल हो जाएगा कि इल्म से पीछे रह जाएगा उसी तरह से कोई दाई है दावत का काम करता है अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो दावत से रुक जाएगा या फिर यह के सुस्त पड़ जाएगा जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो पीछे हट जाएगा और इसी तरह के दीगर उमूर अगर ऐसा मामला है यह खौफ है तो ऐसी सूरत में उसके लिए बेहतर यह है कि वह दूसरी शादी ना करे लेकिन यह याद रखें यहां पर तमबीर जरूरी है कि यह जरूरी नहीं है कि दूसरी शादी मशगूल ही कर दे यानी आपको नेक अमल और अच्छे अमल से पीछे कर दे चाहे इल्म की तलब हो तलब इल्म हो या फिर यह कि दावत का काम हो ये कोई जरूरी बात नहीं है लाजिम नहीं है बल्कि बसावकात यह भी हो सकता है कि दूसरी बीवी आए तो वो आपको और ज्यादा मदद करे दावत के कामों पर आप पढ़ने के मामला में लिहाजा ये लाजिम नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी ना करना बेहतर है और चौथी सूरत यह है कि दूसरी शादी करने से उसको ये खौफ हो ऐसा लगता हो कि वह अदलो इंसाफ नहीं कर पाएगा अगर किसी को ये खौफ है ये खदशा है कि वह दोनों बीवियों में अदल नहीं कर पाएगा इंसाफ नहीं कर पाएगा तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी करना हराम है क्यों क्योंकि अदल इस्लाम में वाजिब है और अगर किसी के पास दो बीवियां हैं या उससे जायद हैं तो सब के दरमियान अदल करना इंसाफ़ करना जो एक बराबरी वाला मामला होता है वो करना वाजिब है अगर किसी को लगता है कि वो ये वाजिब अदा नहीं कर पाएगा तो उसके लिए फिर दूसरी शादी हराम होगी बाज लोग कहते हैं कि कैसे समझ में आएगा कि अदल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अपने उमूर को देखे खुद अपने अंदर देखे कि वो क़वत रखता है कि नहीं अदल करने की अगर उसके अंदर क़वत है ताकत है वो मजबूत है फैसले ऐसे ले सकता है कि जिससे अदल मुमकिन है बेहतरीन तो बात है और अगर नहीं तो दूसरी शादी से रुक जाए वरना हराम में वाक़ होने का ख़दशा है आखिरी सूरत यह है कि अगर कोई शख्स ये खौफ खाता है कि दूसरी शादी करने से वह अदल नहीं कर पाएगा यानी एक से ज्यादा अगर करता है तो बीवियों के दरमियान इंसाफ और बराबरी वाला मामला नहीं कर पाएगा उसे ये खौफ है तो ऐसी सूरत में उस पर हराम है कि वो दूसरी शादी करें क्युं? क्यों क्योंकि शरीयत में अदल और इंसाफ वाजिब है और खसूस बीवियों के मामलों में अगर एक से ज़ायद बीवियाँ हैं तो इंसाफ शरीयत में बहुत ज़्यादा मतलूब है और इसके दलाइल हैं जैसा कि अल्लाह अब ने कुरान मेरसाद फरमाया कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो तो किसी एक की जानब मुकम्मल तरीक़े से नहीं झुको लिहाजा अदल वाजिब है तो अगर आप अदल नहीं कर सकते हैं तो एक ही शादी पर इतफा करें बाज लोग कहते हैं कि यह कैसे समझ में आएगा कि मैं अदल नहीं कर पाऊंगा जवाब यह है कि आप अपने उमूर को जानते हैं कि आप कितने मजबूत हैं फैसले लेने में कितना इख्तियार रखते हैं कितनी क़वत रखते हैं अगर आपको ये लगता है कि आप अदल कर पाएंगे इंसाफ कर पाएंगे शख्सियत में इतनी कुत है तो फिर ठीक है बेहतर बात है और अगर नहीं तो खुद को हराम में ना डालें नाजरीन आज की इस मजलिस के लिए बस इतना ही काफ़ी है इन अगली नशस्त में फिर हम आपके साथ कुछ नई बातों के साथ मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आई प्लस टी वी देखते रहें अल्लाह अबालमीन हम तमाम लोगों को सलामती के साथ रखे आमीन व आखिर दावाना अनिल्दुल्ल अबालमीन वसलम आलकम व्लि ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें